my dear students. Welcome to the session. Today we have Mr. Athari Desai, All India Ranked 9 in IIT JAM MS 2022 exam. आज हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे. इन्होंने कैसे अपनी तैयारी की है, कैसे स्ट्रेटेजी प्लान बनाया, किस तरह से ये इस लेवल पे पहुंचे. इतना टॉप 10 में रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे जो आने वाले जूनियर्स के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल लगेगा आप लोगों को. चलिए बात शुरू करते हैं. सबसे पहले बेटा अथरे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपने अपने टीचर्स को प्राउड फील कराया, अपने परिवार को प्राउड फील कराया, अपने फ्रेंड्स को प्राउड फील कराया. आप समझ नहीं सकते कि ये वाला इस टाइम पे टीचर क्या फील करता है जिनसे आप पढ़े हैं. तो सबसे पहले थोड़ा सा आप अपनी फीलिंग शेयर कीजिए प्लीज. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. इट इज ऑलवेज अ डिलाइट टू शेयर अ स्क्रीन विद यू सर. मैं फर्स्ट ये कहना चाहूंगा कि मैं कर्नाटका से हूँ और आप दिल्ली से हैं, तो वी आर बेसिकली कश्मीर एंड कन्याकुमारी. तो सर ये फीलिंग मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने रिजल्ट शीट खोला तो AIR 9 करके लिखा था, मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि ये मेरा है. और देन मेरे में वो विवेकानंद सर के स्टूडेंट जैसा फीलिंग आया कि ये मेरा हो सकता है, क्योंकि मेरा सर ये करेंगे. तो वो फीलिंग बहुत अच्छा था सर, और मैंने अपने फैमिली को शेयर किया और सब लोग बहुत खुश थे. और मैं और आप मुझे कॉल किए थे और मनीष सर मुझे कॉल किए थे सर, बहुत अच्छा लगा सर. मैं अभी भी इस व्यूम में हूँ कि ये मेरा नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि ये मेरा हो सकता है पहली बार में. तो फीलिंग इज अनप्रेडिक्टेबल सर, एंड इट्स नॉट मैचिंग टू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से ये सब है. बहुत बढ़िया. बच्चे थोड़ा आप अपना प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा अपने आने वाले जूनियर्स को गाइड करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. बुक्स वगैरह, टीचर्स वगैरह, और किस तरह से आपने मतलब जब 10 महीने का टाइम पे शुरू किया था, फिर जब 6 महीने हुए तब क्या हुआ, जब 4 महीने बचा तब क्या हुआ, इस तरीके से थोड़ा सा बताइए बेटा. यस सर, मैंने जनवरी 15, 2021 को स्टार्ट किया था सर अपने प्रिपरेशन अंडर मनीष मलिक सर. तो जब मुझे MS का तैयारी करना था, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे ऐसा एजुकेटर चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए, ताकि मेरा 100% प्रिपरेशन हो जाए. तो मैंने ये दिमाग में रख के मनीष सर को बात किया था, और वो उन्होंने बोले थे कि देसाई तुम तो बात छोड़ दो, मैं हम तुमको चैंपियन बना के छोड़ेंगे. तो आई स्टार्टेड हिज क्लासेस सर फ्रॉम जनवरी 15th. ड्राइव 1 कंप्लीट हुआ और फरवरी 15th से आपका कोर्स शुरू हुआ, वो सीक्वेंस एंड सीरीज, वो भी करना शुरू किया मैंने. और आपने सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत बार किया था और ड्राइव्स आगे आगे ड्राइव्स. तो मैंने एक चीज नोटिस किया था सर कि मैं नोट्स अच्छा बनाता हूँ. तो ये मेरा स्ट्रेंथ था कि मैं नोट्स अच्छा बनाता हूँ, और ताकि वो डिजाइन करके ऐसा लगे. तो मैंने आज तक अभी इफ आई हैव 16 नोटबुक्स ऑफ मैथमेटिक्स प्रिपेयर्ड फॉर विवेकानंद सर, एंड 16 नोटबुक्स फॉर मनीष मलिक सर. तो मैंने ऐसा किया था सर कि नोट्स बनाना इतना इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो अब वीकली प्रिपरेशन और मंथली रिविजन करता है. तो वो देख के उनको मोटिवेट होना चाहिए कि ओके, मेरा नोट्स इतना अच्छा है, मेरे पास इतना अच्छा कॉन्टेंट है कि मैं बार बार पढ़ना चाहूँ इसे. ऐसा ना होना चाहिए कि ओ यार ये अच्छा नहीं है, ये नोट्स अच्छा नहीं बना. तो विवेक सर ऐसा बार बार कहते थे क्लास में कि बेटा नोट्स अच्छे से बनाओ, नोट्स अच्छे से बनाओ. तो आई मेड श्योर कि मेरा नोट्स अच्छा है, और यही मेरा प्लस पॉइंट था सर कि मैं नोट्स बहुत अच्छे से बनाता. और जब विवेक सर पहली क्लास लिए थे, हर बार कोई भी टॉपिक हो, जब वो पहली क्लास लिए थे, फर्स्ट क्लास वुड बी ऑफ विच बुक्स टू रेफर. और उनके पास इतनी सिंप्लिसिटी है कि वो भी बुक लिखे है, वो इट इज वन ऑफ द मैजिक वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स. वो रियल एनालिसिस एंट्रेंस एग्जाम बाय विवेकानंद सर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट. मेरे पास अब भी है सर वो, उसी बुक को मैं फॉलो किया था, वो बाद में आएंगे. पर वो इतना सिंप्लिसिटी है. तो मेरा एजुकेटर सिलेक्शन बहुत अच्छा रहा, मेरा प्रोसेस. तो 50% ऑफ द प्रोसेस ये कंप्लीट हुआ कि मेरा एजुकेटर्स अच्छे थे. तो हर स्टूडेंट के लिए
एजुकेटर चुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है सर, किसी भी प्रिपरेशन के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम हो, एक एजुकेटर ही तुम्हें साथ देगा। क्योंकि अब क्या हुआ है सर, सब कुछ रेडीमेड है, सब कुछ यूट्यूब पे डाल दिया है, सब कुछ और दूसरे प्लेटफॉर्म पे, पर विवेक सर जो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं और मनीष सर कितना ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं, वो उनको देख के ही पढ़ना मन करता है। और ऐसा एजुकेटर चुनना जो आपको मोटिवेट करे कि चलो उठो पढ़ो, सो रहे हो क्यों सो रहे हो, पढ़ो, मुझमें इतनी हिम्मत है, मुझमें इतनी शक्ति है, मेरे इतने एक्साइटमेंट है, तो तुम्हें क्यों नहीं है। तो एक एजुकेटर चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सो फर्स्ट पॉइंट। और एक नोट्स बनाना, अच्छी नोट्स बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और आपसे मैं यही सीखा हूँ कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक्स्ट बुक्स चुनना, सो मेरा टेक्स्ट बुक है थी, पहले मैंने मनीष सर का टेक्स्ट बुक लिया था, दो टेक्स्ट बुक्स थे, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 1 and 2 बाय मनीष मलिक सर, एंड रियल एनालिसिस एंट्रेंस एग्जाम फॉर बाय विवेकानंद सर। सो ये तीन टेक्स्ट बुक्स मैंने लिए थे अल्फा प्लस से, तो वो बहुत अच्छे थे सर। मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि मुझे और टेक्स्ट बुक चाहिए, क्योंकि आप पहली क्लास में ही बोले थे कि जब भी आप टेक्स्ट बुक्स चुनो तो एक टेक्स्ट बुक को चुनो और उससे ही टिके रहो। ज्यादा टेक्स्ट बुक्स घूम घूम के आपको भी कंफ्यूजन होगा और आपको भी अच्छा नहीं होगा प्रोसेस फील करने, बिकॉज इतना कुछ है पढ़ने के लिए, तो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो मेरा टेक्स्ट बुक सिलेक्शन था ये तीन टेक्स्ट बुक्स और एसके मापअप फॉर रियल एनालिसिस, बिकॉज मुझे रियल एनालिसिस बहुत अच्छा लगता है सर, आपसे पढ़ना, और आप तो हलवा बना के छोड़ देंगे रियल एनालिसिस को, तो ये तो है बात सर। और स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने एससी गुप्ता और कपूर लिया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बुक था और आप शेल्डन और रॉस भी रिकमेंड किए थे, तो मैंने ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड किया था वो, तो वो भी पढ़ लिया सर मैंने। तो मेरा 50% ऑफ द कंटेंट है वो नोट से ही मिलता है सर, और मैं रिविजन जब भी करता हूँ वो नोट से ही करता था। तो ये टेक्स्ट बुक सिर्फ मेरे मुझमें आइडिया होना चाहिए कि ओके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इस दुनिया में जो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको विवेकानंद सर के टेक्स्ट बुक्स में जो आपसे नहीं हो रहे, पर उनका सोल्यूशन भी है। तो ये रियलाइज होने में तो ये टेक्स्ट बुक्स लिया था सर मैंने, तो यस सर, सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी। अथरी, मैं इसमें एक अपनी तरफ से क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा बेटा, इतना बोला आपने, थैंक यू बच्चे। आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा प्लस, दैट मींस मेरा कंटेंट, मेरी क्लासेस और मनीष मलिक सर का कंटेंट, उनकी क्लासेस। बेटा आईआईटी जैम जो इतना बड़ा एग्जाम है, जो आपको क्लास में कंटेंट कराया गया है पूरे साल, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बेटा आप उस कंटेंट के बारे में क्या आपको लगता है, इज दैट मतलब सफिशिएंट, वेल एंड गुड फॉर इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम के लिए? क्योंकि आपने बता ही दिया कि ये बुक्स मैंने रेफर किया था, लेकिन क्लास में मैं नोट्स बहुत अच्छे से बना, तो थोड़ा इस पे बताइए, मतलब हम अपने कंटेंट के बारे में क्या कह सकते हैं, मेरे को विश्वास के साथ ये बात पूछनी है आपसे। यस सर, आई थिंक सर जो मैंने नोट्स बनाई है आपके क्लासेस के रेफरेंस से, जो भी नोट्स बनाई है वो सफिशिएंट है आईआईटी जैम के लिए और एनबीएचएम के लिए, सीयूसीईटी के लिए, हर एक एग्जामिनेशन जो ये सिलेबस फॉलो करता है सबके लिए बहुत सफिशिएंट है सर। क्योंकि आप कंफर्ट जोन के बाहर जाकर वो पढ़ाते हैं ना, तो हमको भी अच्छा लगता है और वो कंटेंट भी बहुत सफिशिएंट है सर। और स्टैटिस्टिक्स में क्या हुआ था कि इस बार अनप्रिडिक्टेबल सा क्वेश्चन आए थे स्टैटिस्टिक्स में जो हमसे नहीं प्रिडिक्ट हुए, तो वो भी अगर सॉरी सर आपसे बात कर रहा हूँ तो इंटिमिडेशन तो होता ही है सर। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए सर वो कंटेंट जो मनीष मलिक सर दिए थे वो भी काफी थे सर, क्योंकि जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो ड्राइव हर बार सर कराते थे वो नेट के क्वेश्चंस भी कराते थे और आईआईटी जैम का ही है, तो और बाकी सारे एंट्रेंसेस, क्योंकि सर
इंडिया में जो एजुकेटर्स है उनके पास स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आईआईटी जैम में आए थे वो ही कराते हैं क्लास में, तो उनके लिए बस प्रीवियस ईयर ही सहारा है। पर मनीष मलिक सर वो ऐसा सोचते थे कि नेट का क्वेश्चन भी कराना है, ओके अगर वो 5.75 का मार्क्स की हो और 6 मार्क्स का ही हो, बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव आता है सर स्टैटिस्टिक्स में जो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, तो हमारे लिए वो जो भी सहारा अवेलेबल है मार्केट में, जो आईएसआई क्वेश्चंस हो और नेट के क्वेश्चंस हो, जो भी है वो सब कराना है, वो मनीष मलिक सर के थिंकिंग में थे। और इस बार जो क्वेश्चंस आए थे वो नेट लेवल का ही थे सर, और जो भी क्वेश्चंस किए थे मैंने वो सब मनीष मलिक सर के गाइडेंस से ही किया था मैंने। और मैथ्स का ही क्या ही बोलो सर, मैंने आप भी मैंने बोला था कि अगर मैं स्कोर कार्ड देखूं तो मेरा मैथ्स ही हाईलाइट होगा, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर किसी भी स्टूडेंट आपके पास एग्जामिनेशन ड्राइव किए कर जाए सर, तो उनके लिए एक अलग सा पर्सपेक्टिव आएगा, ताकि वो और भी पढ़ना चाहे। और ऐसा है कि सर एग्जामिनेशन ड्राइव जो भी करता है उनको उनको ए सॉरी इट्स ओके। एग्जामिनेशन ड्राइव हर बार जिसको हम पढ़ाते हैं बच्चे को, उसको लास्ट के 2-3 महीने हम एग्जामिनेशन ड्राइव देते हैं, जिसमें हम एग्जाम के क्वेश्चंस ही कराते हैं, ओनली क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्स, और वो भी पास्ट ईयर एग्जाम, आईआईटी जैम, मैथ्स, आईआईटी जैम स्टैट्स, नेट, गेट, टीआईएफआर, एनबीएचएमआ, एम आई राइट? यस सर, पूरा पूरा का पूरा एग्जामिनेशन ड्राइव ऐसे ही चलेगा। सभी लोग सुन लें जो आने वाले टाइम में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लास्ट के 2-3 महीने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन के थ्रू, नए कॉन्सेप्ट, हाँ जी सही सुना, नए कॉन्सेप्ट एग्जाम के क्वेश्चन के थ्रू कराए जाते हैं, बच्चा ये कहना चाह रहे हैं। सर मैं और भी कुछ ऐड करना चाहूंगा। प्लीज प्लीज सर, जब स्टूडेंट पहली बार ड्राइव करता है आपसे, तो उनको ये लगेगा कि सारा हो गया, क्योंकि आप इतना कुछ कराते हैं पहली ड्राइव में ही, इतना कुछ कराते हैं, तो वो बच्चा सोचेगा हाँ विवेक सर से मैंने पहली ड्राइव कर ली तो वो काफी है। पर मैं भी ऐसा ही सोचा था सर, और जब सेकंड ड्राइव शुरू हुआ पहली क्लास में पहली क्वेश्चन में ही मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं। तो आपके ड्राइव, आपके क्वेश्चंस, आपके हर ड्राइव और आपके हर क्वेश्चन में जो शक्ति है सर, सीरियसली आई एम टेलिंग, एक शक्ति है वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता हूं सर। और एग्जामिनेशन ड्राइव ऐसा था सर कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे वो मैक्सिमम आई थिंक 10-11 क्वेश्चंस वेर ऑल बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ऑन योर एग्जामिनेशन ड्राइव, वो फंक्शंस का हो और टू वेरिएबल और रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, सब क्वेश्चन सर वो बेस था एग्जामिनेशन ड्राइव का ही। और जो आप नवंबर से लेकर जनवरी एंड तक और फरवरी मिड तक जो किए थे सर एग्जामिनेशन ड्राइव, वो आई ओपनर है सर किसी भी स्टूडेंट के लिए जो मैथ्स और स्टैट्स पढ़ता है, तो उसके लिए आई ओपनर है सर। और डेली क्लास, और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि विवेकानंद सर ऐसे व्यक्ति है जो आपके मैंने सब सोच के रखा था और सब पानी में फेंक। आप यू कैन यूज एनी लैंग्वेज इन विच यू आर कंफर्टेबल, प्लीज। यस सर, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग अबाउट विवेकानंद सर, दैट इज he has left all his tension in attention from home or whatever it is, he has left all the tension, and wo he used to make sure that every day there has to be a live class, and having a educator who is so motivating, aur aisa lagta tha ki sir agar sir hi itna enthusiastic hai aur sir hi itna energetic hai to hum kyu nahi ho sakte, to aisa bhavna bhi mere mein shuru hua sir. So educator selection is very important, or I'm very happy that I made the very right choice. बच्चे जाने से पहले एक दो बातें और, आप अपनी सक्सेस सब ऑब्वियसली बात है सबका साथ मिला होगा, परिवार का सपोर्ट मिला होगा, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला होगा, टीचर्स का सपोर्ट मिला होगा, उनके लिए भी जरा थोड़ा सा बोल दीजिए दिल खोल के। यस सर, यस सर, मेरा सक्सेस मैं अगर फैमिली से सपोर्ट है सर और सब कुछ है, कॉलेज से सपोर्ट है, सब कुछ है, पर मैक्सिमम सपोर्ट गोज टू अल्फा प्लस,
And I would like to again bring into highlight about the test series that Alpha Plus holds in the end of December till the examination gets over, all the practice papers and all the test series. After attending those test series, I felt that each question that came in the examination, I was thinking that the same question might come in the examination because it was equally hard and equally difficult compared to the IIT JAM MS. So the test series also really helps, sir. And each student who is applying for IIT JAM, usko test series dena chahiye aur dena padega, kyunki he has to make sure that he's attending at least 10 test series from a recognized institute like Alpha Plus, who is providing real simulation of IIT JAM MS. Aur mujhe bahut proud feel hota hai, sir, ki maine wo test series liya aur aapke sath padha aur aapke sath har question ka discussion kiya. Aur I'm really satisfied with Alpha Plus and with everything that my parents, my teachers, for all the support which has given me. And sir, main 12 se pehle kuch bhi nahi padhta tha, sab kuch ratta marta tha aur sab kuch ek weird sa lifestyle hota sir mere liye. Aapke saath jo padha aur Manish Malik sir aur Vivek sir ka jo mera experience hai, unhone mera lifestyle hi badal diya sir. मैं अब ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ और ज्यादा सीखना चाहता हूँ, क्योंकि विवेक सर हर एक थियरम के प्रूफ्स देते हैं क्लास में, और एक वो प्रूफ्स कितना इंटरेस्टिंग होते हैं, वो मर्डर मिस्ट्री जैसा इंटरेस्टिंग होता है. मैं ऐसा बैठ जाता था, ओके व्हाट नेक्स्ट, अब कैसा सॉल्व करेंगे सर. और इतना सिस्टमेटिक और इतना सिंप्लीफाइड प्रूफ देते हैं सर कि मुझे पढ़ने में इतना एक्साइटमेंट आता था. चलो बेटा ठीक है. बच्चे आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड उससे भी बढ़ के आईआईटी बॉम्बे के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच, रियली एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग कमिंग द फ्यूचर. एंड लास्ट थिंग बिफोर आई गो, आई वुड लाइक टू टेल दैट अल्फा प्लस हैज चेंज्ड माय लाइफ, एंड दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ टीचर हु इज स्टडीइंग फ्रॉम हु इज टीचिंग फ्रॉम अल्फा प्लस. But it has really changed my lifestyle. It has really given me a hope for the future. Aur aage jaake main kisi ka educator ka naam sochta hu to Vivek sir aate hai aur Manish sir aate hai, kyunki wo bahut impactful rahe hai mere life mein. Thank you sir, thank you for the wonderful opportunity that you've given me. Okay. Charan Parsh. Khush raho beta, khush raho. Yes sir. Okay, thank you sir.